तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये हमारा जो बोर्नियो सिमेट्रिक के ऊपर जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बोर्नियो सिमेट्रिक में आज हम लोग दोस्तों जो सीखने वाले हैं वो हम लोग SOC के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, SOC क्या चीज है? SOC का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ चिप, सिस्टम ऑफ चिप। सिस्टम ऑफ चिप का मतलब क्या है कि हमारा जो मोबाइल फोन है वो किस चिप प्लेटफॉर्म पे बना है। दोस्तों जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे मोबाइल फोन ओप्पो का है, चाहे वीवो का है, चाहे सैमसंग का है, चाहे लिनेवो का है, चाहे किसी भी ब्रांड किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन क्यों ना हो, लेकिन वो जो मोबाइल फोन जो बनाया जाता है वो किसी एक चिप बेस को लेकर के मोबाइल फोन बनाया जाता है। चिप बेस का अगर बोला जाए तो बोले तो सीपीयू, जैसे मोबाइल फोन का ना जो सीपीयू आईसी लगी होती है वो सीपीयू आईसी ही मोबाइल फोन का मेन आधार है। बाकी जितने भी सारी चीजें जो लगी होती हैं वो सब साइड की सपोर्टिंग चीजें होती है। मेन चिप जो मेन चीज जो होती है वो मोबाइल फोन का सीपीयू है। अगर आप मोबाइल फोन की रिपेयरिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, रिपेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सीपीयू के बारे में फोकस करना पड़ेगा और सीपीयू के बारे में ध्यान देना पड़ेगा और सीपीयू के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन अपने आप पर मोस्टली ज्यादातर हम लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें तो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन जो आते हैं वो क्वालिकॉम के आते हैं या मीडियाटेक के आते हैं या एसपीडी के आते हैं या एक्सनॉस सीपीयू में आते हैं। किसमें आते हैं? एक्सनॉस, जो हमारे एक्सनॉस सीपीयू होता है उस एक्सनॉस सीपीयू में आते हैं। क्वालिकॉम सीपीयू ओप्पो वीवो एमआई रियलमी टेक्नो लावा कार्बन इन्फिनिक्स, इन सब में मोस्टली क्वालिकॉम मीडियाटेक एसपीडी सीपीयू जो होता है। और जो तुम्हारा एक्सनॉस सीपीयू होता है ये ओनली सिर्फ सैमसंग के मोबाइल फोन में यूज होता है। तो ये जो हमने जो कंपनी का नाम लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं SOC। क्या बोलते हैं दोस्तों? SOC। SOC का मतलब होता है सिस्टम ऑफ चिप। अच्छा, इस सिस्टम ऑफ चिप में होता क्या है कि मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर, जैसे मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, वो मोबाइल फोन वीवो का है, वो मोबाइल फोन टेक्नो का है, वो मोबाइल फोन लावा का है, या वो मोबाइल फोन ओप्पो का है। अगर उस मोबाइल फोन के अंदर जो मान लिया प्रोसेसर यूज किया गया है 8909, मतलब किसी भी मोबाइल फोन के अंदर कोई भी प्रोसेसर यूज किया गया, तो इस प्रोसेसर से संबंधित अगर और भी चार मोबाइल फोन बने हुए हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो समथिंग एक जैसा होगा। उस मोबाइल फोन की जो प्राइस मिडिल रेंज होगी वो भी समथिंग एक जैसी होगी। क्यों एक जैसी होगी? क्योंकि प्रोसेसर ही मोबाइल फोन का माइंड होता है, वही सारी चीजों को क्या करता है, सेट करता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लिया वीवो कंपनी ने मोबाइल फोन 5G मोबाइल फोन निकाला, और वीवो कंपनी के 5G मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है, अगर उसी तरीके से कल को ओप्पो का मोबाइल फोन आ जाए या रियलमी का मोबाइल फोन आ जाए, उसके अंदर भी सेम वही प्रोसेसर लगा, वो भी 5G मोबाइल फोन है, तो इसका मतलब होता है अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका पांचों चारों का एक है, बस सिर्फ उन लोगों ने कंपनी के अलग अलग चट्टे बट्टे हो गए और मार्केट में ला करके मोबाइल फोन को आपको बेच रहे हैं। क्योंकि मोबाइल फोन में ये लोग एक्चुअल में मैन्युफैक्चर है ही नहीं। मैन्युफैक्चर दोस्तों वो है जो मोबाइल फोन को बना रहे हैं, मोबाइल फोन को बना रहे हैं वो कौन है? क्वालिकॉम मीडियाटेक एसपीडी एक्सनॉस। तो इस एसओसी चिप के अंदर यही सारी इन्फॉर्मेशन हमारी दी होती है, और ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कौन सी चिप को कहाँ से वोल्टेज जाता है, कितना वोल्टेज जाता है, कितना इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, कौन सी आईसी किससे कनेक्टेड होती है। आपके मोबाइल फोन में एक पावर आईसी तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपके मोबाइल फोन में दो पावर आईसी तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपके मोबाइल फोन में तीन पावर आईसी तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। इन सारी चीजों के बारे में इसमें बहुत अच्छे से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक के बारे में थोड़ा समझाते हैं। जो लोगों के पास सिमेटिक या टूल है या सॉफ्टवेयर है, बोर्नियो सिमेटिक है, तो आप लोग इस टूल को यूज करें, यूज करने के माध्यम से सीखें और जानकारी लें, और आपको बहुत सारी हेल्पफुल होगी। ऐसा एसओसी के बारे में वीडियो काफी यूट्यूब में नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो हम आपको इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीजों के बारे में सीख सकें। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, जैसे मैंने बोर्नियो सिमेटिक टूल को मैंने ओपन कर रखा है, बोर्नियो सिमेटिक टूल ओपन करने के बाद
हम लोग अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एसओसी, लिखा हुआ दोस्तों। एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ चिप। जैसे सिस्टम ऑफ चिप में क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑफ चिप के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो तरीके के सीपीयू मोस्टली दिए हुए हैं। कौन से दो तरीके के सीपीयू दिए हुए हैं? क्वालिकॉम और मीडियाटेक। मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करता हूं। अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे क्वालिकॉम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मीडियाटेक। मतलब क्वालिकॉम चिपसेट और मीडिया चिपसेट के जो मोबाइल फोन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, क्वालिकॉम में क्लिक करेंगे तो क्वालिकॉम सीपीयू से सपोर्टेड जितने सारे मॉडल हैं, जैसे एमएसएम 8909, 8917, 8826, 8937, 8939, 8940, एक एक करके जितने भी सारे प्रोसेसर हैं वो दोस्तों सारे प्रोसेसर आपको मिल जाएंगे। अगर इस प्रोसेसर से संबंधित अगर आप और एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एसडीएम 845, क्या लिखा हुआ दोस्तों? एसडीएम 845। अब मैं इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूं, हम लोग कहां करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हमने यहां पर टाइप किया, गूगल पे, गूगल में हमने टाइप किया एसडीएम 845 सपोर्टेड फोन। देखिए यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, एक 91 करके ये वेबसाइट आती है, इस वेबसाइट में आप चले जाएंगे, इसमें फोन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। अब देखो क्या ये जो मोबाइल फोन है जिसके अंदर चिपसेट तुम्हारा यूज किया गया है, कौन सा है? एसडीएम 845 6 GB रैम के साथ में है। ये मोबाइल फोन पोको F1 में है। देखिए इसी मोबाइल फोन को एसडीएम 845 के साथ में गूगल पिक्सल ने भी बनाया है, और इसके अंदर जो बनाया है इसने 6 GB रैम का उपयोग किया, इसने 4 GB रैम का उपयोग किया है। उसके बाद वन प्लस ने भी बनाया है, वन प्लस कंपनी बनाया, लेकिन उसके अंदर भी प्रोसेसर क्या लगा हुआ है, एसडीएम 845। उसके बाद पोको F1 128 GB 6 GB रैम में भी बना है, F1 256 में भी बना है, पोको F1 8 GB और अलग अलग वेरियंट में जितना है वो सब आपके साथ दिख रहा है यहाँ पर पूरा डिटेल में। वन प्लस टी, वन प्लस सिक्स, LG में भी आया है, मतलब आप Xiaomi में भी देख रहे हैं, Motorola में भी देख रहे हैं, Poco में भी देख रहे हैं, Vivo में भी देख रहे हैं, Vivo Y25G जो ये मोबाइल फोन है, इसके अंदर भी जो दिया हुआ है ये 5G मोबाइल फोन है, उसमें भी आपका ये प्रोसेसर का 4th जनरेशन में इसमें यूज किया गया है। तो ऐसे अगर आप मोबाइल फोन में देख, अब इसमें सब चेंज हो गया, जैसे 778G हो गया, तो कुल मिलाकर के कंपेरिजन में उन्होंने मीडियाटेक के कंपेरिजन दिया हुआ है इसके साथ में, लेकिन ये मीडियाटेक का है, वो ओप्पो का है। मेरा ये आपको समझाने का ये पर्पज है कि सर ये जो 845 जो प्रोसेसर है वो 845 प्रोसेसर को कई 5-6 मोबाइल फोन में अलग अलग MI, ओप्पो, वीवो, पोको, LG अलग अलग मोबाइल फोन यूज किया गया, तो उस अलग अलग मोबाइल फोन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका एक होगा, उसके अंदर का जो सर्किट है वो भी मैच करेगा, प्रोसेसर मैच करेगा, तो उसकी पावर भी मैच करेगी। अगर इस प्रोसेसर के साथ में दो पावर IC कॉन्सेप्ट है तो ये प्रोसेसर जिस मोबाइल फोन में यूज होगा तो उसमें से मोस्टली दो पावर IC का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो ये SoC का मतलब होता है, जो बोर्नियो सिमेटिक टूल ने SoC दिया हुआ है, इसका सिस्टम ऑफ चिप, इसका मतलब यही है कि आप अंदर की कॉन्फिगेशन, अंदर की कनेक्टिविटी को डिटेल में आप समझ सके कि कैसे मोबाइल फोन में काम हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन में काम कैसे हो रहा है तभी तो दोस्त आपको पता चलेगा। भाई जैसे आप दोस्त, अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में जाने पर आपको बोला जाता है भाई आपको बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई टिकिया खा लोगे, कोई इंजेक्शन लगवा लोगे, एक ही दिन में बॉडी बन जाएगी। उसके लिए पूरा डाइट प्लान बताते हैं, डाइट प्लान का मतलब वो तो बताते हैं भाई तुमको इतना एनर्जी खाना, इतना एनर्जी नहीं खाना, कहाँ पर इतना एनर्जी मिलेगी, तो ये सारी बातें होती है। उसी तरीके से हमारे इसके अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, और इस इन्फॉर्मेशन से हमको रिपेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छे से क्लियर होता है। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, हम अपना टूल ओपन करते हैं। टूल ओपन करने के बाद जैसे मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फोन आ गया, मान लिया MSM 8909 प्रोसेसर, मैंने पहला प्रोसेसर ले लिया, पहले ऊपर दिया है तो जाहिर सी बात है हल्का प्रोसेसर होगा, इसके अंदर थोड़ा सर्किट कम होगा, फिर डिटेल में एक एक करके आप लोग समझेंगे तो अच्छा रहेगा। SoC चिप डायग्राम, मैंने इसको खोला, जैसे खोला तो इसमें बोर्ड के अंदर पूरा व्यू इसका खुल जाएगा। देखिए ये वही व्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं इसके भाषा में ब्लॉक डायग्राम। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम के मतलब मोबाइल फोन का ब्लॉक डायग्राम, कैसे मोबाइल फोन काम कर रहा है। जैसे आप अपना घर बनाते हो ना, तो घर बनाते ही आप बताते हो भैया मेरा किचन यहाँ पर बनेगा,
और मेरा आंगन यहाँ पर होगा, मेरा ये कमरा यहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम यहाँ और बरामदा यहाँ पर, ऐसे जैसे नहीं हम लोग इमेजिन करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी एक अपना एक इमेजिन आपको देते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर जो कनेक्टिविटी है इस सीपीयू के अंदर ऐसे होने वाली है। तो उसी तरीके से अगर आप चाहें तो इससे देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहली बात, अगर आप मोबाइल फोन में जाएंगे, अगर आप चार्जिंग सप्लाई से बात करना चाहते हैं तो चार्जिंग के लिए देखो वी बस लाइन बता रहा है, वी बस इन चार्जर, जैसे वी बस इन आएगी तो वी बस इन किस पे जाएगी, यूएसबी कनेक्टर। वी बस इन कहाँ से आ रही है, यूएसबी कनेक्टर आ रही है, पॉइंट आ रही है। ये आपकी चार्जिंग के लिए आईसी यूज की गई है, ये चार्जिंग आईसी जो यूज की है चार्जर, चार्जिंग आईसी। इस चार्जिंग आईसी में देखिए वीपीएच पावर निकलेगा जिससे पूरा मोबाइल फोन चलेगा। उसी चार्जिंग आईसी में से वी बैट की लाइन निकलेगी, किसके निकलेगी, वी बैट। वी बैट का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ बैटरी, बैटरी कनेक्टर को जाएगा। ये वी बैट की सप्लाई जो है, ये वी बैट की सप्लाई चार्जिंग आईसी से ही बैटरी कनेक्टर को जाएगी, प्लस इस चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए एसडीए, एसडी का मतलब डाटा क्लॉक, ये डाटा क्लॉक की लाइनें हैं, ये भी कहां से आएंगी दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये लाइनें कहां से आ रही हैं, तुम्हारी डाटा क्लॉक की लाइन सीपीयू से आ रही है। कहाँ से आ रही है, और ये सीपीयू के अंदर यूएसबी सेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो सीपीयू के अंदर कौन कौन सा सेक्शन होते हैं वो भी आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मेरा सीपीयू लगा हुआ है तो इस सीपीयू में यूएसबी सेक्शन भी कनेक्ट होता है, कैमरा सेक्शन भी होता है, एलसीडी भी कनेक्ट होता है। एलसीडी के बाद वोल्टेज सप्लाई सारी आती है, वोल्टेज सप्लाई आने के बाद ये तुम्हारा रैम के लिए कनेक्ट होता है, ये तुम्हारा एमएमसी के लिए कनेक्ट होता है। हमारा जो एमएमसी आईसी होता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा स्टोर होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एमएमसी जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, दूसरा होता है एलपी डीडीआर जिसमें हमारा रैम होती है जो हमारे स्पीड को देने का काम करती है। तो वाईफाई सेक्शन है, ब्लूटूथ है, एफएम है, बी2बी है, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, सारी चीज इससे क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो ये दोस्तों कौन, इनको कमांड कौन देता है, कंट्रोलिंग कौन करता है, सीपीयू कनेक्ट करता है। तो अगर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले वीबस का लाइन चेक करना पड़ेगा, उसके बाद जो डीपीडीएम है ना वो डीपीडीएम तुम्हारा कहाँ से जाएगा, ये देखिए यूएसबी हैंडसेट डीपीडीएम, मतलब वो सीपीयू से लाइनें जाएंगी, और उसके बाद ये डाटा क्लॉक की लाइनें है, आईएसक्यू की लाइनें है, ये सारी लाइनें आपकी कनेक्ट है। अब उसके बाद देखिए फिर दोस्तों ये वीपीएच पावर सप्लाई आ जाएगी, तो ये वीपीएच पावर सप्लाई कहाँ पर जाएगी, पावर पर जाएगी। ये देखिए तुम्हारा पावर आईसी लगी है, पावर आईसी के अंदर देखेंगे PM8809, PM8809 के अंदर ये तुम्हारा पावर इन, इसके अंदर बक भी दिया हुआ है, ये इसके अंदर बक सप्लाई है, और ये इसके अंदर एलडीओ सप्लाई है। कौन सी सप्लाई है दोस्तों, एलडीओ सप्लाई है। इसके अंदर ये कोडेक सप्लाई है, कोडेक का मतलब जो ऑडियो के लिए सप्लाई निकलती है। ये आपका एक्सो क्रिस्टल क्लॉक के लिए सप्लाई दिया हुआ है, ये लीनियर रेगुलेटर की लाइन दी हुई है, जैसे बैटरी सेंस, आईडी, थर्मिस्टर, टेम्परेचर, इसको लीनियर रेगुलेटर लाइन बोले जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दिया हुआ है। तो ऐसे आप मोबाइल फोन के अंदर देखेंगे तो कौन सी आईसी के अंदर क्या क्या चीजों के अंदर कनेक्टिविटी है, ये देखिए यू SIM1 SIM2, ये सीपीयू से कनेक्ट है। कहाँ से कनेक्ट है, अब आपको पावर आईसी पे, एमएमसी आईसी पे, बाकी किसी आईसी पे काम करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है, सीधे आपको सीपीयू की लाइन को चेक करने की जरूरत है। तो देखिए आपको अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कितनी सारी चीजें इसमें कनेक्ट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक एक करके कौन कौन से वोल्टेज निकल रहे हैं, कितने वोल्टेज निकल रहे हैं, किस काम के लिए वोल्टेज निकल रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है। देखिए कौन सी सप्लाई किस पे जा रही है, ये सब जा रही सप्लाइयां, देखो कैमरा वन के लिए कौन सी जा रही है, VREG L6 1.8, VREG L6 1.8, 1.8, ये सारी वोल्टेज जा रही है। अगर इसमें VREG L6 1.8, तो अगर यहां पर देखेंगे तो यहीं पर कहीं लिखा होता है, ये लिखा है VREG L6 1.8, ये आपकी एलडीओ की सप्लाई होती है। एलडीओ की सप्लाई बनती है, वो तुम्हारी सप्लाई कहां पर जाती है दोस्तों, कैमरे के लिए जाती है, जिससे तुम्हारा कैमरा क्या होता है, चालू होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, कौन कौन सी सप्लाई कहां पर बन रही है, किसकी कनेक्टिविटी कैसे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है इसके अंदर दिया होता है। ये जैसे दोस्तों मैंने MSM8809 दिखाया, ये सिंगल पावर आईसी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब मैं दूसरा प्रोसेसर ओपन करूंगा तो हो सकता है उसके अंदर दो पावर आईसी लगे, तो उसमें डबल पावर आईसी का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये देखिए, तो दोस्तों मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं,
और ये इसके माध्यम से आपको हेल्प जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको अच्छा सिखाना। तो हो सकता है वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको नई क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सिखा पाऊँ। अगर वीडियो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आप ही जैसे और भी ऐसे भाई हैं जिनको इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, सीख सकें। ये देखिए, ये SDM मेरे पास SDM 439, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर PMI और PM दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब इसमें क्या सिस्टम है मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। सेम सब में वही है, चाहे कोई भी हो, सबका कॉन्सेप्ट वही होता है, वही VPH VPH वही VBUS वही VBAT वही लाइनें, बस थोड़ी सी सप्लाई बाय फीचर बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी। ये देखिए USB कनेक्टर है, इस USB कनेक्टर में कौन कौन सी लाइनें हैं, CC1 DP DM। ये USB कनेक्टर के वी बस की लाइन होती है, वी बस की लाइन कहाँ पर जाती है, PMI 632 पे जाती है। यहाँ पर लिखा ना USB इन, देखो सारी चीज़ें लिखी हुई, कौन सी लाइन क्या जा रही है, किस काम के लिए क्या लाइन जा रही है, सारी बातें यहाँ पर डिटेल में लिखी होती है। ज़्यादा जूम हो गया, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। दिखाई दे रहे हैं सर वहां से? हाँ, तो अगर आप देखेंगे यूएसबी कनेक्टर है, यूएसबी कनेक्टर की लाइन है, ये वीबस की लाइन है, ये वीबस की लाइन दोस्तों कहाँ पर जा रही है, PMI पर जा रही है। अब अगर आप देखेंगे कि तो सर ये तो लाइन इधर को भी जा रही है, तो इधर को जाने का मतलब आप इधर देख सकते हैं, इधर ये नहीं है, ये रेड रेड कलर से जो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सारी सप्लाई की लाइन है। तो जितनी सप्लाई की लाइन है उन लोगों ने रेड से इंडिकेट कर रखा है, जितने सिग्नल वोल्टेज की लाइन है उनको ग्रीन से कर रखा है, ऐसे एक एक करके इन लोगों ने अपना अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है। ये जैसे वी बैट की लाइन है, तो वी बैट की लाइन आपकी कहाँ पर आएगी, ये आप देखेंगे वी बैट ये लिखा वी बैट बैक सेंस वी बैट, तो ये सप्लाई हमारी कहाँ पर आएगी, पहले जब चार्जिंग के अंदर 5 वोल्ट करंट जाएगा तो इसी से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। वो आउटपुट निकलने के बाद वो आउटपुट हमारा कहाँ पर चला जाएगा, वी बैट, देखिए ये वी बैट निकल रहा है, ये आउटपुट हमारा कहाँ निकलेगा, बैटरी के लिए। वी बैट लिखा ना, देखो जो चीज यहाँ पर लिखी है सेम उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर भी इंडिकेट कर रखा है वी बैट पावर। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे इससे VPH सप्लाई निकलती है, तो जब VPH सप्लाई निकलेगी, ये VPH सप्लाई निकलने के बाद वो VPH पावर कहाँ कहाँ पर जा रहा है, देखिए इसी IC पर दोबारा जा रहा है, ये VPH पावर तुम्हारा ऑडियो पे जा रहा है, किस पे जा रहा है दोस्तों, ऑडियो पे जा रहा है, ऑडियो पे तुम्हारा L5 1.8 एक और वोल्टेज जा रहा है, VPH पावर भी जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका CPU है, ये आपका RAM सेक्शन दिया हुआ है, इसके बाद में WTR है, WCN है, WTR को काम करने के लिए VREC के 1.0 1.8 दो वोल्टेज आते हैं ना दोस्तों, जिससे WTR, ये VREC L1 1.0 1.8 दोनों वोल्टेज जाते हैं। ये कौन सा है, VREC L1 VREC L4, ये VREC L1 L4 जो दोनों वोल्टेज होते हैं, ये दोनों वोल्टेज कहाँ से निकलते हैं भैया, तुम्हारी पावर IC से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, पावर IC से निकलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये लिखा हुआ L1 L2, ये 1.0 1, ये सारे वोल्टेज कौन से होते हैं, LDO वोल्टेज होते हैं, ये LDO सप्लाई निकलेगी और वही LDO सप्लाई बंद करके WTR के अंदर जाएगी, जिससे तुम्हारी WTR IC क्या होगी, काम करेगी, नेटवर्क एक्सेस करेगी, आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क आएंगे। ऐसे एक एक करके आप यहाँ पर जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर वन बाई करके सारी सप्लाई को आप दे सकते हैं, किसमें से I2C लाइन जा रही है, किसमें डाटा लाइन जा रही है, किसमें क्लॉक लाइन जा रही है, ये सारी चीज़ के इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है, मोबाइल फोन के अंदर ब्लॉक डायग्राम है, आप अच्छे से देख सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए टेक्नीशियन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अब मैं जैसे दोस्तों मैंने आपको क्वालिकॉम के बारे में दिखाया है, इसी तरीके से मैं आपको एक मीडियाटेक का भी दिखाता हूँ, ताकि आप मीडियाटेक के बारे में भी समझ सकें। अब मैंने मीडियाटेक क्लिक किया तो देखो मीडियाटेक के अंदर देखो कितने सारे जो CPU है, मीडियाटेक के जो CPU उसके अंदर दिया हुआ है, मीडियाटेक के 6737। मैंने पहले CPU ओपन किया, SoC डायग्राम खोला, जैसे मैंने डायग्राम खोला तो ये मीडियाटेक का कॉन्सेप्ट खुल गया, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। जैसे ही आप दो चार पांच मोबाइल फोन में देखोगे तो
तो वही बात है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है, ये तुम्हारा यूएसबी कनेक्टर है, यूएसबी कनेक्टर में वही वी बस, यूएसबी डीपीडीएम लाइन है, ये लाइन यूएसबी की वी बस की लाइन है, वी बस की लाइन आपके कहाँ पर जाएगी, चार्जिंग आईसी पे जाएगी। ये देखो वी बस चार्जिंग आईसी पे, इस पे काम करने के लिए बैटरी आउटपुट होगी। सिस सिस का मतलब होता है वीपीएस लाइन को, इसमें सिस बोला जाता है। ओटीजी, ये सेलेक्ट स्विचिंग लाइन, ये सारी चीजें। फिर इसके अंदर भी देखो सेम वही डाटा क्लॉक इन, ये सारी सप्लाई जो होती है, चार्जिंग आईसी है। इस चार्जिंग आईसी पे कहाँ से आएंगे, सीपीयू के माध्यम से आएंगे। किसके माध्यम से आएंगे, सीपीयू के माध्यम से आएंगे। ये देखिए ये सारी लाइनें कहाँ से कनेक्ट है, सीपीयू के माध्यम से कनेक्ट है। अब सीपीयू से क्या क्या चीजें कनेक्ट है, देखिए सीपीयू से एलसीडी भी कनेक्ट है, मेन कैमरा भी कनेक्ट है, फ्रंट कैमरा भी कनेक्ट है, सेंसर आरजीबी है, एपी ऑडियो सर्किट है, यहाँ पर तुम्हारा रैम का सर्किट है, एमएमसी है, यूएफएस है, बीबी है, एफएम, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपकी कहाँ से कनेक्ट होती हैं, सीपीयू आईसी से कनेक्ट होती हैं। तो जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में काम करने के लिए आप उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे ही आपका पावर दिया हो, पावर का मतलब ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच में एक पिन माइनस है, एक पिन है पावर की। अब ये पावर की जो है वो कहाँ से कनेक्ट है, तुम्हारी MT6328 यानी पावर आईसी से कनेक्ट है। ये सप्लाई कहाँ पर जा रही है, पावर आईसी से। अब पावर आईसी पे जाने का मतलब बस ये रहता है कि भाई बोर्ड है तो ऑन ऑफ स्विच के दो पॉइंट है, एक माइनस है, इसके लाइन में हो सकता है कि रेजिस्टेंस लगा दे कंपनी, एक कैपेसिटर लगा दे, उसके बाद सप्लाई आईसी से बॉल में जाकर के कनेक्ट कर देगी। अगर आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है तो आपकी इसके लाइन को चेक करना पड़ेगा, इसको शॉर्टिंग के लिए चेक करना पड़ेगा, इस ट्रैक को चेक करना पड़ेगा, ताकि आपका ऑन ऑफ स्विच लाइन काम कर सके। ऐसे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग का लाइन दिया होगा, चार्जिंग का वी बस लाइन है, वी बस लाइन यहाँ से जाएगा, उसके बाद चार्जिंग आईसी पे जाएगा, उसके लाइन में तुम्हारी ओबीपी लगी होती है, रजिस्टर, फ्यूज, कॉइल, ऐसे बहुत सारी कंपनी फिल्ट्रेशन के तौर पर कंपनी उस मोबाइल फोन के सर्किट में डालती है। तो इस एसओसी डायग्राम के माध्यम से, इस एसओसी चिप के माध्यम से आप मोबाइल फोन के अंदर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। दोस्तों आप दो चार पांच मोबाइल फोन का जैसे समझेंगे, जैसे मान लिया आपने ये इसका देख लिया MT6328 का एक मोबाइल फोन का आपने देखा, तो MT6328 अगर 10 और मोबाइल फोन में लगी है तो उसका भी कॉन्सेप्ट समथिंग सिमिलर होगा। इससे क्या रहेगा दोस्तों, आपको रिपेयरिंग करने में आपको इतना ऐसा लगेगा कि आपको मोबाइल फोन का जब प्लेट देखोगे ना रिपेयरिंग करने के लिए आपके सामने, तो आपको सब चीज पूरा अंदर से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या एलडीयू है, क्या बक है, क्या वीरेक है, कितने कितने वोल्टेज निकल रहे हैं, किसके लिए कितने वोल्टेज निकल रहे हैं, ये सारी बातें आपको बिल्कुल सिक्वेंसली क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों मेरा एसओसी चिप पर वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको मैं मोबाइल फोन के अंदर के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा सकूं। हमारे पास मोबाइल फोन दो ही तरीके के यूज होते हैं, क्वालिकॉम और मीडियाटेक। मोस्टली जितने भी मोबाइल फोन आते हैं अपने यहाँ पर, वो मोस्टली दो तरह के मोबाइल फोन से इस्तेमाल होते हैं, या तो क्वालिकॉम मोबाइल फोन इस्तेमाल होता है, या तो मीडियाटेक का मोबाइल फोन इस्तेमाल होता है। इसमें से अगर अंदर का सर्किट आप समझ जाते हैं, अगर आप इस जितने सीपीयू बने ना दोस्तों, अगर इतने सीपीयू अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो कम से कम 10,000 मोबाइल फोन के बारे में आप उसकी डिटेल निकाल सकते हो, इतने मोबाइल फोन की रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लंबा ना करते हुए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, टॉपिक को समझे, टॉपिक की गहराई को समझे, मेरी जो समझा हुई बात को समझे। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और अगर मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो भी संपर्क करें। और दोस्त अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प के लिए बने हैं। आप वीडियो के माध्यम से सीखते रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे, यही प्रक्रम चलता रहेगा। फिर हम चलो चलते मिलते हैं और अपनी नई वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।